के सचान को कोर्ट ने सुनाई सजा। जज के सजा सुनाते ही मंत्री जी हुए फरार। 35 साल पुराने गिट्टी चोरी मामले में हुई सजा। यूपी सरकार में एमएसएमई मंत्री हैं राकेश सचान। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को ACMM 3 कोर्ट ने 35 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है। सुनवाई के बाद आदेश के सुरक्षित होते ही मंत्री राकेश सचान कोर्ट से भाग निकले। माना जा रहा है कि मंत्री को पहले से ही सजा सुनाए जाने का अनुमान लग गया था। 35 साल पुराने गिट्टी चोरी मामले में शनिवार को ACMM 3 कोर्ट ने सुनवाई कर आदेश सुरक्षित किया है। मामले की सुनवाई हो जाने के बाद मंत्री राकेश सचान सजा सुनाए जाने की आशंका से कोर्ट से बाहर चले गए। इतना ही नहीं बल्कि मंत्री के वकील पर भी गंभीर आरोप की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मंत्री के वकील ने जज के हाथ से आदेश की कॉपी छीनकर भागने का आरोप है। दरअसल मामला तब का है जब मंत्री राकेश सचान रेलवे ठेकेदार थे। अब से करीब 35 साल पहले राकेश सचान के खिलाफ रेलवे की ठेकेदारी के दौरान गिट्टी चोरी होने पर IPC की धारा 389 और 411 में मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में चोरी की गई गिट्टी की बरामदगी भी की गई थी। आपको बता दें कि कानपुर के किदवई नगर के रहने वाले राकेश सचान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में VSP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिर साल 2022 में उन्होंने BJP ज्वाइन की और कानपुर देहात के भोगनीपुर से समाजवादी पार्टी के नरेंद्र पाल सिंह को हराया और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री पद प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।